हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बोन के टॉपिक को स्टडी करेंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन जो है पूछा जाता है, तो क्लासिफिकेशन जो बोन का होता है वो शेप के आधार पर होता है। यहाँ पर लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और इरेगुलर बोन और सिस्मॉइड बोन, ये पांच प्रकार के बोन की क्लासिफिकेशन है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बोन किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा आते हैं हम लोग। देखो, बोन में बोन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बोन के अंदर में बोन मैरो पाया जाता है, येलो बोन मैरो पाया जाता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है। ये जो कॉर्नर का हिस्सा है यहाँ पर रेड बोन मैरो और बीच वाले हिस्से में येलो बोन मैरो पाया जाता है। इसके बाद इसकी जो बाहरी परत होती है इसको हम लोग कहते हैं पेरिओस्टियम, और जो अंदर की परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोऑस्टियम। इस जो बोन होता है, बोन के जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों तरफ है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है और नीचे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। इसमें एक प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस होता है और एक पाया जाता है डिस्टल। ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है और ये डिस्टल एपिफाइसिस है। इसके बाद मेटाफाइसिस होता है। मेटाफाइसिस मतलब जहाँ से जॉइंट्स है उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है मेटाफाइसिस, तो दोनों तरफ अगर जॉइंट है तो दोनों तरफ मेटाफाइसिस पाया जाएगा। और इसके बाद डाइफाइसिस, जो बीच का जो हिस्सा है डाइफाइसिस कहलाता है। इसमें हम लोग इसी बोन के अंदर में ही हमारा ब्लड जो है वो बनता है, बोन मैरो में ब्लड बनता है, बनाते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इसी के अंदर में बनते हैं बोन मैरो के अंदर से। और यहाँ से ब्लड वेसल्स भी होती हैं जिसके थ्रू उसको प्रोटीन न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, और वहाँ से बोन में जो ब्लड जो कंटेंट बनते हैं वो बोन से बाहर भी इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू निकलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को कि हमारे जो बोन है वो बॉडी में किस किस तरह से हैं, उसके नाम क्या हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेड से कि हमारे हेड में कौन से बोन पाए जाते हैं। तो हेड से स्टार्ट करते हैं। हेड के अंदर, हेड में जो कवर होती है, हेड को जो कवर करके रखती है, उसमें कुछ बोन होते हैं जो सिंगल होती हैं जो दोनों तरफ अवेलेबल होती हैं, और कुछ बोन जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जो सिंगल बोन्स होते हैं इसमें फ्रंटल है, जो एक सिंगल पाया जाता है फ्रंटल बोन, और एक ऑक्सीपिटल बोन जो सिंगल होती है फ्रंटल और ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ होती है और फ्रंटल जो है वो सामने की तरफ होती है। ये फ्रंटल है और ये पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल। इसके अलावा एक सिंगल बोन होती है जिसे हम लोग कहते हैं मैंडिबल, जो जबड़े का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंडिबल बोन कहते हैं। इसके अलावा और एक बोन जो होती है जो सिंगल पाई जाती है उसको हम लोग स्फेनॉइड बोन कहते हैं। ये स्फेनॉइड बोन भी सिंगल होती है जो इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक कनेक्टेड रहती है, स्फेनॉइड बोन। ये बटरफ्लाई के आकार की होती है स्फेनॉइड बोन, और इसी स्फेनॉइड बोन के ऊपर में हमारा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को नीचे से बेस देकर रखती है, इस पोर्शन में यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बेस देती है, मतलब ये ब्रेन को नीचे से कवर करती है स्फेनॉइड बोन। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका फ्रंटल बोन, ये हो गया ऑक्सीपिटल, ये हो गया मैंडिबल और स्फेनॉइड बोन, चार बोन को हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं ऐसे बोन जो दोनों तरफ होती है। ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन और टेम्पोरल बोन दोनों तरफ पाई जाती है, दो होती हैं टेम्पोरल
और यहाँ पर एक जॉइंट होता है, इसको हम लोग टेम्परोमेंडिबल जॉइंट बोलते हैं। ये जो जॉइंट है इसको टेम्परोमेंडिबल जॉइंट बोलते हैं। ये टेम्परल और मैंडिबल यहाँ पर जुड़ते हैं तो टेम्परोमेंडिबल जॉइंट कहलाता है। ये जाइगोमेटिक बोन है, ये भी दो पाए जाते हैं दोनों तरफ, फेस के दोनों तरफ जाइगोमेटिक। ये फेस का जो उभार जो होता है आंखों के पास वो जाइगोमेटिक बोन के कारण होता है। मैक्सिला, मैक्सिला लेफ्ट और नाक के लेफ्ट और राइट में मैक्सिला बोन पाया जाता है। ठीक मैक्सिला से जुड़ा हुआ और नाक के ठीक ऊपर में नजल पाया जाता है, नजल बोन। ये दो होते हैं नजल बोन। इसके अलावा नजल को हम लोग नजल के ऊपर को हम लोग लेटरल नजल कार्टिलेज कहते हैं, लेटरल नजल कार्टिलेज। ये दो होते हैं लेफ्ट और राइट, और होता है ग्रेटर एलर। ये ग्रेटर एलर कार्टिलेज है और नजल नजल कार्टिलेज, लेटरल नजल कार्टिलेज है और ये आपका ग्रेटर एलर कार्टिलेज है। ये दोनों कार्टिलेजेस हैं, ये बोन नहीं है। इसके अलावा गर्दन के पास हायोइड बोन पाया जाता है। ये अकेली एक ऐसी बोन है बॉडी की, हायोइड बोन, दूसरे बोन से सीधे तौर पर नहीं जुड़ी होती है हायोइड बोन। बाकी सारे जो बोन होते हैं वो दूसरे बोन से जुड़े होते हैं, लेकिन हायोइड बोन ही एक ऐसी बोन है जो दूसरे किसी बोन से नहीं जुड़ी होती। हायोइड बोन का जो शेप होता है वो घोड़े के नाल की तरह होता है। ठीक ऊपर आपका फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के बीच में एक पैराइटल बोन होती है। पैराइटल बोन भी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, लेफ्ट और राइट पैराइटल। और इस तरह से हम लोग बोन आपके हेड के बोन्स को कंप्लीट करते हैं। एक बार और देख लेते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्परल, स्फेनॉइड, जाइगोमेटिक, मैंडिबल, हायोइड बोन, मैक्सिला, के बाद आता है जो हमारे नजल कैविटी के पास जो होती है, इसे हम कहते हैं पैलेटाइन। ये पैलेटाइन बोन है। पैलेटाइन एथमॉइड पीछे की तरफ जो होती है नजल के पीछे, एथमॉइड। ये नजल के ठीक नीचे की तरफ कैविटी को कवर करती है लैक्रिमियल, लैक्रिमियल बोन। ये नजल पोचा है, नजल पोचा, ये भी दो होती है लेफ्ट और राइट। ये वॉल्मर है, वॉल्मर, बी ओ एन ई आर, वॉल्मर।
इस तरह से आपके एड के जो मॉल है वो कंप्लीट होते हैं। ये तो टिथ है। इसके अलावा आज आन में ये हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी का पोर्शन है। ऑडिटरी ऑडिटरी में कैविटीज होती है। कैविटी के अंदर कान में तीन बोन पाए जाते हैं। कान के अंदर ये इस तरह की कैविटी होती है। ये इंटरनल ऑडिटरी कैविटी है। यहाँ से कान के जो छेद होते हैं यहाँ से आपको आवाज सुनाई देती है। यहाँ कैविटी में इस कैविटी में तीन बोन पाए जाते हैं जिसको ऑडिटरी बोन कहते हैं। ऑडिटरी बोन इस पोर्शन में तीन बोन पाए जाते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस ये तीन बोन, जिसमें से स्टेपिस जो होती है वो सबसे छोटी बोन होती है। और इस तरह से हमारा जो स्कल है इसका चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे एक चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रेन और इसके फंक्शन कैसे होते हैं। ब्रेन और इसके फंक्शन के लिए तो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep sharing.